बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हैं जो कि एक एक्टर बनकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बिजनेस में हाथ तक आजमाना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों वहीं बॉलीवुड के कुछ अभिनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्टर बनकर जहां एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई, वहीं उन अभिनेताओं ने एक बिजनेसमैन बनकर इतनी दौलत कमाई है कि आज वो करोड़पति बन गए। पर क्या आप उन अभिनेताओं को जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। नंबर एक, कुमार गौरव। अभिनेता कुमार गौरव के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि इन्होंने एक्टर बनकर जितनी दौलत नहीं कमाई उससे कहीं ज़्यादा तो इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करके एक बिजनेसमैन के रूप में कमा लिया है और आज एक करोड़ों के मालिक बन गए हैं। नंबर दो, राहुल रॉय। आज की फिल्म से मशहूर अभिनेता राहुल रॉय ने भी एक्टर बनकर जहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई, वहीं इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करके एक बिजनेसमैन के रूप में लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। नंबर तीन, रजत बेदी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रजत बेदी को एक्टर बनकर कुछ ज़्यादा कामयाबी और दौलत हासिल नहीं हुई, इसलिए तो इन्होंने कनाडा में अपना एक एंटरटेनमेंट बिजनेस स्टार्ट करके पैसे कमाना शुरू कर दिया और आज ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। नंबर चार, दीपक तिजोरी। बॉलीवुड में कई सारी फिल्में कर चुके अभिनेता दीपक तिजोरी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादा नोटिस नहीं किया गया, जिसके चलते ये ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए, इसलिए तो इन्होंने डायरेक्टर बनने का फैसला किया और अब ये खूब पैसा छाप रहे हैं। नंबर पांच, सुनील शेट्टी। बॉलीवुड में अन्ना के नाम से मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बात की जाए तो आपको बता दें कि इन्होंने वैसे तो एक्टर बनकर काफी पैसा कमाया मगर एक्टर से ज्यादा इन्हें बिजनेसमैन बनकर फायदा हुआ। जी हाँ, ये अपने होटल बिजनेस के जरिए करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। नंबर छह, गोविंदा। बॉलीवुड में आखिर अपने डांसिंग स्टाइल को लेकर फेमस हुए अभिनेता गोविंदा भी एक्टिंग के बाद अब अपना प्रोडक्शन हाउस चलाकर और एक बिजनेसमैन के रूप में ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी अभिनेताओं से मिलकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।